सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लियो फैंग था उसने गोल्ड आर्मर परचेज़ किया था, जिसकी डिलीवरी अभी तक उसको नहीं मिली थी, तो उसकी डिलीवरी लेने के लिए वो गया था। तो अभी हम उसकी डिलीवरी देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी डिलीवरी लेता है और उसके बाद किस तरीके से वो उस गोल्ड आर्मर को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता है। लियो फैंग ने गोल्ड आर्मर खरीद लिया था ट्रेजर हॉल से, जो कि हॉन्ग एलायंस सिटी से था। उसके बाद उसकी जो डिलीवरी डेट थी वो 3 दिन बाद की थी, जो कि 26 कैंप के अंदर थी। और साथ ही साथ यांजी मेन कॉन्टिनेंट से उसको 26 कैंप 2 तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, मतलब कुछ महीनों का टाइम या फिर कुछ साल भी लग सकते थे। इसलिए जो लियो फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनजीएस होता है अपने गोल्ड आर्मर की डिलीवरी लेने के लिए। और साथ ही साथ 26 कैंप के अंदर उसकी जो नाशे की जो गुड्स थी, जो कि उसने सेल की थी, उसकी कुछ डील्स भी वहाँ पर उसने सेट की थी, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी वहाँ पर जाने की। स्टार ईटिंग प्लांट गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन मेथड की मदद से जो लियो फैंग था वो इमीडिएटली ह्यूमन कंट्री के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो एक क्लोज स्पेस कैंग बर्ड स्टार के पास टेलीपोर्ट होकर आता है, जिसके बाद वो लगभग लगभग कुछ 2 दिनों का सफर तय करता है डार्क यूनिवर्स के अंदर। और वहाँ पे घूमते घूमते फाइनली वो 26 कैंप 7th बैटलफील्ड पहुँच जाता है। वहीं हम लोगों को कुछ रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिल सकते थे, कुछ लोग यहाँ पे रिक्रूट हो रही थी। और वहीं पे एक पर्सन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो इन लोगों को देखते हुए बोलता है तुम जाओ और इन न्यू रिक्रूट्स को अपनी जगह दिखाओ। तभी उनका जो लीडर होता है, जो कि एक वाइट ड्रॉप वाला अनडाइंग पर्सन होता है, जब वो इतने सारे रिक्रूट्स को देखता है तो थोड़ा सा शॉक होता है, और वो बोलता है कि इस बार यहाँ पर इतने कम रिक्रूट्स क्यों हुए करके, ये तो मतलब लगभग लगभग बस 100 सेक्टर लॉर्ड स्ट्रेंथ के लोग होंगे, बाकी लोग कहाँ गए, डोमेन लॉर्ड, यूनिवर्सल लॉर्ड और बाकी लोग। जब वो व्हाइट ड्रॉप वाला पर्सन ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ से एक फॉर्मलेस प्रेशर स्प्रेड होने लग जाता है और उसके एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसको सामने से एक बंदा आते हुए दिखने के लिए मिल सकता था, जिसके बॉडी के ऊपर सिल्वर कलर का आर्मर और सिल्वर विंग्स थी। उस पर्सन के बॉडी में से आने वाला प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके मदद से वो जो पर्सन था उसका पूरा का पूरा फेस पेल हो चुका था। तभी वो सामने वाले पर्सन को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो भागते हुए जाता है और लियो फैंग को रिसीव करता है वहाँ से, जिसके बाद लियो फैंग उसको बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है, और ये जो सीन था ये लियो फैंग के क्वार्टर्स का सीन था। ये क्वार्टर्स बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे। लियो फैंग अपने विला को देखते हुए बोलता है कि लगता है मेरे जाने के बाद इस जगह पर कोई भी नहीं आया। एक्चुअली गाइस, जो हायर कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने वाला एम्परर होता है उसके लिए एक स्पेस डिसाइड किया जाता है, जिसके बाद अगर वो पर्सन वहाँ से चला भी जाता है तो कोई भी दूसरा अनडाइंग पर्सन वहाँ पे आके उसकी स्पेस को नहीं ले सकता, क्योंकि जब वो वापस आएगा वो अपने स्पेस में दोबारा रहता है। तभी बहुत दूर से लियो फैंग को एक आवाज़ आती है, हे यांग। लियो फैंग जैसे उस जगह पे देखता है, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर थी और एक पहाड़ से ये आवाज़ आ रही थी, एक लग्जरी विला से, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी लियो फैंग बोलता है जी माँ तुम यहाँ पे। तभी वहाँ पे एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, जो लियो फैंग को बोलता है कि तुम्हें आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लास्ट टाइम से, तो तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गई कर। कुटुआ करंटली स्टार टावर के ऊपर था। वही हम लोगों को एम्परर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर था लियो फैंग से, और वो वहीं से लियो फैंग को बताता है। और ये जो एम्परर था ये 3 सर वाला एम्परर था, जिसके अंदर उसके बाकी के जो 2 सर थे वो बाकी 1 सर से ज़्यादा बड़े नहीं थे। और वो लियो फैंग को देखते हुए बताता है क्या तुमने मेरे को यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया। तभी लियो फैंग उस डायरेक्शन में देखते हुए बोलता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ करके, तुम यहाँ पे आ सकते हो, अपना ही घर समझो। तभी सीमा लियो फैंग से कहती है कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया जब तुम आखिरी बार आए थे। तभी जो लियो फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। लास्ट टाइम लियो फैंग डायरेक्टली यांजी मेन कॉन्टिनेंट के अंदर रिटर्न हो गया था, जब उसने वो सारे गुड्स खरीद लिए थे नाशी युद्ध से फाइट करने के लिए। जिसके बाद नाशियुद्ध को मारने के बाद उसको सेकंड ब्लैक मेटल बोर्ड मिलता है, और उसके बाद वो 3 महीने एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के अंदर ट्रेनिंग करता है, और लगभग लगभग उसे 1 साल का वक्त तो हो ही चुका है यहाँ पे लौटे हुए। तभी जो लियो फैंग होता है उसका मीटअप काफ़ी सारे उसके फ्रेंड्स से होता है, जो कि उसको बोलता है यांग पिछले बार जब तुम थे तब तुम्हारे बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर का आर्मर था और विंग्स थे, लेकिन इस बार वो सिल्वर कलर के हुए, ऐसा क्यों। इसी के बाद जो लियो फैंग होता है वो इमीडिएटली रिप्लाई करके बोलता है कि जो मेरा आर्मर है वो टाइम टू टाइम अपना कलर चेंज करता रहता है, अभी ये ब्लैक से सिल्वर हो गया है, ये जल्दी गोल्ड के अंदर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज़ सुन के बाकी के जो एम्परर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद पहले दिन जो लियो फैंग होता है उसके पास जितने भी गुड्स होते हैं जो कि उसने बेचे थे गोल्ड आर्मर के लिए, वो उन सबको सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी डिलीवरी डिपार्टमेंट के अंदर भेज देता है, ताकि वो उस एम्परर के पास पहुँच सके जिसको उसने वो बेचे थे। और वही सेकेंड डे के ऊपर उसका गोल्ड आर्मर की डिलीवरी आने वाली थी। फाइनली हम लोगों को डिलीवरी देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद वो जो स्टाफ मेंबर होता है वो बताता है ये आपके गुड जो कि आपने ऑर्डर किए थे, प्लीज़ क्या आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हो। इसी के बाद आइडेंटिटी कंफर्म होती है और लियो फैंग एक स्पेस रिंग रिसीव कर लेता है जिसके अंदर गोल्ड आर्मर था। उसी के बाद वो एम्प्लॉय उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुली वो करते हुए वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद जो लो फेंग होता है वो अपनी वर्ल्ड एनर्जी का यूज़ करते हुए आराम से रिंग के अंदर एंटर कर जाता है, और वहीं पे उसको एक आइटम भी देखने के लिए मिलता है जो कि गोल्ड आर्मर था। एक्चुअली ये जो एम्प्लाय था, ये एम्प्लाय जैसे ही 26 कैंप के अंदर आया था, वैसे ही लो फेंग के बॉडी के अंदर का एक एक सेल काफ़ी ज़्यादा उछलने लग गया था खुशी के कारण, जिसके कारण लो फेंग को पहले ही पता चल गया था कि जिस चीज़ को उसने ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी शायद से आ चुकी है, वो गोल्ड आर्मर उससे ज़्यादा दूर नहीं है। लुओ फेंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने गोल्ड आर्मर को लेके हुए। वो सोचता है कि जो चीज़ है ये 5 बिलियन मिक्स एलिमेंट की है, लेकिन इसके बाद भी मैं इस चीज़ को इतना आसानी से ले रहा हूँ, अगर ये चीज़ 50 बिलियन मिक्स एलिमेंट की भी होती उसके बाद भी मैं इस चीज़ को खरीदने से पहले 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोचता। इसी के साथ वो सोचता है उसकी जो पहले के 2 आर्मर थे वो सोल्जर और जनरल आर्मर थे, देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का आर्मर है। इसी के बाद जो लुओ फेंग होता है वो सबसे पहले अपने क्वार्टर्स के अंदर लौट जाता है, वही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके इंटरनल वर्ल्ड के अंदर उस गोल्डन आर्मर को स्टडी कर रहा था। इसी के बाद हम लोग को इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक काफ़ी लंबा चौड़ा घास का मैदान था और वहीं पे एक बीस्ट लेटा हुआ था, ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट था। ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि सेकेंड वॉल्यूम को ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि सेकेंड वॉल्यूम नेमलेस मैनुअल थी। वो सोया हुआ ही था तभी अचानक से उसको अपने ऊपर 8 मीटर टॉल एक गोल्डन आर्मर देखने के लिए मिलता है, और इस गोल्डन आर्मर को देखते हुए वो भी इस दौड़ से दहाड़ता है। कुछ ही टाइम के बाद वो जो गोल्डन आर्मर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा हिट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक बीम ऑफ लाइट के अंदर चेंज हो जाता है और उस बीस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद वो काउंटलेस थ्रेड के अंदर चेंज हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, और हर एक सेल के साथ वो फ्यूज़ होने लग जाता है धीरे धीरे करके। और वो जो बीस्ट था उसके चेस्ट के ऊपर हम लोगों को एक इम्प्रिंट होता हुआ दिख सकता था, और ये जो इम्प्रिंट था वो इम्प्रिंट था किंग नाम का। वही हम लोगों को एक ब्लैक क्लॉथ लुओ फेंग भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि उस बीस्ट को घूर रहा था काफ़ी टाइम से, और उसके बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे गोल्डन स्केल्स को भी देख रहा था। तभी वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि इंडीड मेरा जो गैस है वो सही निकला, मैंने सोचा ही था कि हायर लेवल का आर्मर है, उसके पहले के 2 आर्मर से ज़्यादा हाई लेवल का आर्मर था, और ये जो आर्मर था ये किंग आर्मर था। इसी के साथ वो सोच रहा था, उसके पास सोल्जर जनरल तो था ही, अभी उसके पास किंग लेवल का आर्मर भी आ गया। अभी वो सोच रहा था कि इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का आर्मर शायद से होता होगा कि नहीं होता होगा, ये सोचते हुए वो सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है चल छोड़ो जाने दो किसको पड़ी है। इसी के बाद वो देखता है वो जो किंग आर्मर था वो अकेला ही उस बीस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तभी वो उसको देखते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि ये जो आर्मर है ये उस बीस्ट के बॉडी के अंदर की सारी स्ट्रेंथ को ट्रिगर कर पाता है कि नहीं। इसी के बाद लुओ फेंग जोर से चिल्लाता है किंग आर्मर गैदर, और इसी के साथ जो ब्लैक क्लॉथ लुओ फेंग होता है जो कि उस ह्यूज बीस्ट को देख रहा था कुछ टाइम पहले, वो जो बीस्ट था वो पूरी तरीके से गोल्डन बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर की जितनी भी स्केल्स थी वो सारी गोल्ड की होती जा रही थी, और कुछ ही टाइम में वो जो एंटायर बीस्ट होता है वो ग्लैरिंग गोल्ड कलर का हो जाता है, और उसके बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स बाहर आ रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद वो जो प्रेशर होता है वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन कुछ ही टाइम में वो जो 3 बॉडीज़ थी वो सब अपना कॉन्शियसनेस शेयर करने लग जाती है, वही जो ब्लैक क्लॉथ लुओ फेंग था उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो जो बीस्ट होता है वो जोर से दहाड़ता है, इसी के साथ उसके बॉडी के अंदर की जो ब्लड रिवर एनर्जी होती है वो भी एम्पलीफाई होने लग जाती है, और ये 12 टाइम एम्पलीफाई हो जाती है। लुओ फेंग इस पावरफुल फोर्स को देखते हुए भी बोलता है कि अभी भी मुझे मज़ा नहीं आया, तभी वो जो बीस्ट होता है वो अचानक से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बॉडी के अंदर से जो डिटीज होती है वर्ल्ड की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिलीज होने लग जाती है। तभी वो जोर से चिल्लाता है बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल एबिलिटी, जो बीस्ट बॉडी थी वो कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और उसी के साथ वो जो गोल्ड आर्मर का प्रेशर था वो भी अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, ये लगभग लगभग 99% तक डिक्रीज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली बात है वो जो बीस्ट है उसने अपनी पूरी लिमिट्स को पुश नहीं किया था अभी तक, लेकिन स्टिल उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। एक तरीके से जो बीस्ट बॉडी है उसने उस आर्मर को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया ही नहीं था। कुछ टाइम के बाद लुओ फेंग उस किंग आर्मर के पेरल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो जो बीस्ट होता है वो अपनी ट्रेनिंग करने में लग जाता है सेकेंड वॉल्यूम की नेमलेस मैनुअल थी, और इसी के साथ जो लुओ फेंग होता है वो उस कैंप को छोड़ देता है और शिप के अंदर वापस ही चला जाता है। उसको कुछ महीने लगता है यांजी मेन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुँचने के लिए, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग्स वापस से स्टार्ट कर देता है। वो लॉस के बारे में स्टडी करता है, मून पॉलिसी के बारे में स्टडी करता है, और साथ ही साथ वो सेकेंड वॉल्यूम के बारे में भी स्टडी करता है। वैसे तो जो लुओ फेंग था वो हंट करने के लिए काफ़ी आसानी से बाहर जा सकता था, उसके लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, साथ ही साथ उसकी अर्थ बॉडी और उसके ऊपर सिल्वर आर्मर और सिल्वर विंग्स, इसके वजह से पूरे के पूरे यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और सब लोगों को पता था एक पावरफुल ह्यूमन वॉरियर है जिसका नाम यांग है, जिसके अंदर एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग उससे मैच नहीं करना चाहते थे और बीस्ट भी उससे दूर ही रहते थे। इसी तरीके से कुछ 30 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद वो सेकेंड वॉल्यूम को भी ख़त्म कर लेता है।
वही इंटरनल वर्ल्ड में से एक आवाज़ आती है कि फाइनली फाइनली मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाऊंगा। अभी वो जो बीस्ट है वो लगभग लगभग 10,000 सेक्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ को अनलिश कर सकता है, और वो अभी सोच रहा था कि शायद से वो अभी पूरी तरीके से उस किंग आर्मर को यूटिलाइज कर सकता है। इसी के वजह से एक बार फिर से जो लो फैंग होता है वो अपना जो किंग आर्मर पेरल होता है उसको वापस से उस बीस्ट के अंदर डाल देता है। वो जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट था वो वापस से श्रिंक कर जाता है और एक लिटिल बीस्ट गॉड बन जाता है। वो अभी तक अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आ चुका था और पूरी तरीके से गोल्ड से भी कवर हो चुका था। वही लियोफेंग हंसते हुए बोलता है फाइनली इसने अपने लिमिट्स तक पुश कर लिया है। वही लियोफेंग मनी मन बोलता है कि ये जो किंग आर्मर है इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इसको लगभग लगभग 10,000 सेक्टर लॉट की स्ट्रेंथ लग गई, और साथ ही साथ इसी के बाद वो जो बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है और हाउल करने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जो किंग आर्मर था उसने उसको लगभग लगभग 1 लाख सेक्टर लॉट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी थी। जो ह्यूमन एम्परर बॉडी होती है वो भी पैनिकल लेवल के ऊपर बस 1 लाख सेक्टर लॉर्ड एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो जो किंग आर्मर की पावर थी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल थी। इस वक्त लो फेंग सोच रहा था कि वो अभी पूरी तरीके से अमर हो चुका है करके, और अभी पूरी की पूरी यांजी कॉन्टिनेंट के ऊपर उसको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है उसके इस इंटरप्रिट बॉडी के साथ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लगभग लगभग 1 लाख सेक्टर लॉर्ड लेवल का पावर को अपने ब्लॉक कर सकती है, चाहे फिर वो फिजिकल हो या फिर सोल अटैक हो। और साथ ही साथ इसका मतलब अगर उसके नीचे का कोई भी अटैक होता है किसी भी पैनिकल एम्परर लेवल का तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो भी 90% तक डिफ्यूज़ हो जाएगा। सच्ची में जो किंग आर्मर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है किसी भी जनरल आर्मर से। गाइस कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आप कुछ कम चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मतलब मैं जो पहले BTTH एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब उस BTTH के आप 5 से 6 चैप्टर पकड़ लो और इसका एक अकेला चैप्टर समझ लो, तो इतने बड़े उसके चैप्टर होते हैं, तो एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए 10 से 12 मिनट लग जाता है। सो इसलिए 25 से 30 मिनट की वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही चैप्टर्स को कवर कर पाता हूँ, और उससे ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और उससे ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहता। सो होप करता हूँ कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझोगे। और रही बात वीडियो की क्वान्टिटीज़ की, तो गाइस कल मेरा लास्ट एग्जाम है जिसके बाद मैं लगभग लगभग 2 वीडियोज़ तो आपको डेली के दे दिया करूँगा, उसके साथ में कोई दूसरी नॉवल भी स्टार्ट कर दूंगा। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा जानी लाइफ, और अभी आगे की नॉवल कंटिन्यू करते हैं। वही हम लोग को 189 क्लियर के अंदर लू फेंग जो होता है वो यांजी मेन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद उस कॉन्टिनेंट के एजेस के ऊपर कुछ मैजेस्टिक माउंटेन के अंदर 100 ऑफ किलोमीटर मिलियंस ऑफ किलोमीटर आगे एक सिल्वर आर्मर विंग वाला एक पर्सन हम लोग लेटा हुआ देखने के लिए मिलता है एक स्टोन के ऊपर, जिसके हाथ के लेफ्ट साइड के अंदर हम लोग को एक ब्लेड भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि ब्लड शेडो ब्लेड था। वही लियो फेंग मनी मन बोलता है कि होप करता हूँ कि जो नाइट टेम्परर है उसके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ होगी मेरे लिए, वरना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। वही अचानक से एक सिल्थ आउटेड उसके साइड के अंदर अपियर होता है, जिसके बाद यांग एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। वो नाइट टेम्परर उसको बताता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो। वो जो नाइट टेम्परर था उसने डार्क रेड कलर का आर्मर पहना हुआ था, और साथ ही साथ उसके पास विंग्स भी थी और उसकी आँखें गोल्डन कलर से ग्लो कर रही थी। वही जो लो फेंग की बॉडी थी उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज़ कर रही थी, उसकी आंखें लाइटनिंग की तरफ ग्लो कर रही थी, और क्योंकि वो एक ब्लैक वॉरियर है और साथ ही साथ एक थिक बीस्ट ब्लड लाइन के साथ जो कि उसने मेंटेन करके रखा था, जो कि उसकी बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके वजह से, और साथ ही साथ शावो विंग्स के कारण उसके बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था। इसी के बाद लो फेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो अभी बताओ मुझे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो करके, और क्या न्यूज़ लेके आए हो, और ऐसी क्या चीज़ थी जो कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर नहीं बता सकते थे और तुम्हें पर्सनली यहाँ पे आना पड़ा। तभी नाइट एम्परर बताता है कि ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी खबर है। तभी लो फेंग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है और वो बोलता है क्या क्या खबर है। एक्चुअली वक्त के साथ लू फेंग के काफ़ी सारे एम्परर फ्रेंड्स बने थे, जिनके अंदर से काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे उसके वो मेन कॉन्टिनेंट के अंदर के थे, और जो मेन बात थी उसकी जो अर्थ बॉडी थी उसको सब लोग यांग नाम से जानते थे और सब लोग यांग नाम से उसके साथ इंटरेक्ट भी किया करते थे। वही दूसरी तरफ नेचुरली जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट था उसके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, जैसे कि स्टार फैंटेसी एम्परर, और ज़्यादातर ये जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो फ्रेंड्स नहीं बनाया करता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर रेसेस को ढूंढता था, इसके वजह से उसके पास बस 3 ही फ्रेंड्स थे। लेकिन जो अर्थ बॉडी थी उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्लोज जो था वो नाइट एम्परर था। वही जो नाइट एम्परर होता है वो भी लियो फेंग की थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है करके, और तुम इतने ज़्यादा फास्ट हो कि इवन अगर मैं टेलीपोर्ट करके भी आऊँ तो तब तक तुम ऑलरेडी डॉच कर चुके होंगे, अनटिल और अनलेस अगर कोई पर्सन सोल अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा तभी जाके वो शायद से तुम्हें हार्म कर सकता है। इसी के बाद नाइट एम्परर और लियो फेंग हम लोगों को एक केव के अंदर देखने के लिए मिलता है, और वो लोग आपस में बात करते हैं कि यांग, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं, और साथ ही साथ ये जो लेजेंड्स है ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम है, लेकिन स्टिल इनके पास के जो स्कैनर्स है वो हमसे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो हम लोगों को अगर बात करनी है तो हम लोग बस
मेंटली बात कर सकते हैं। वैसे तो इन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इसी के बाद इन लोगों के बीच का कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी लू फेंग बोलता है, यांजिमिन कॉन्टिनेंट लेजेंड, क्या तुम सेक्रिफिशियल टावर के बारे में बात कर रहे हो? तभी जो नाइट टेम्परर होता है वो हाँ के अंदर मुंडे हिलाता है और वो बताता है कि सेवन बैटल फील्ड के अंदर काफ़ी सारी मिस्टीरियस प्लेसेज है, जैसे कि यांजिमिन कॉन्टिनेंट, स्टार टावर और बाकी के अदर बैटल रीजन। सबके पास अपने अपने खुद के लेजेंड्स हैं। ऐसी वो जो मेन कॉन्टिनेंट है, यूजली वहाँ पे सेक्रीफाइजल स्टैचूज है और वहाँ पे ट्रिलियन ऑफ ईयर पहले जो वॉर हुई थी जिसके अंदर जितने भी लोग मारे गए थे वो पूरी तरीके से डीके नहीं हुए और उनके अंदर की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि जो पिछले बार जो सेवन्थ बैटल फील्ड जब ओपन हुआ था और उसके अंदर जो फोर पैनिकल रेसेस थी, वो जब उनका जो बैटल हुआ था उस रीजन के अंदर, तो उन्होंने इंडिजीनियस पीपल्स को पूरी तरीके से वहाँ से ख़त्म कर दिया था। लगभग लगभग उनका एक काफ़ी बड़ा वाला पार्ट जो था वो उसी जगह पर ख़त्म हो गया था। और जैसे कि तुमको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो यांजी मेन कॉन्टिनेंट है, ये ज़्यादातर सेक्रीफिशियल टावर्स के लिए जाना जाता है और हर एक टावर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बेसिस है। और क्योंकि ये जो इंडिजीनियस पीपल है, ये अपने ट्रेजर्स को इन टावर्स के अंदर ही रखा करते थे और इन ट्रेजर्स को अपने साथ लेके घुमा करते थे। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हलबली का माहौल था और काफ़ी ज़्यादा रश फैला हुआ था चारों तरफ वॉर की वजह से, वो लोग उन सारे ट्रेजर को अपने साथ नहीं लेके जा पाए। जिसके बाद ज़्यादातर ट्रेजर को तो उन फोर पैनिकल रेसेस ने उठा लिया, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी सारा जो ट्रेजर है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के पार्ट्स के अंदर छुपा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से उन ट्रेजर्स को बनाया गया है, जिसकी वजह से जो एम्परर लेवल का या फिर जो नाइट लेवल का भी पर्सन है वो भी ईजिली उन ट्रेजर्स की एनर्जी को फील नहीं कर सकता, मतलब उनके स्कैनर टोटली वेस्ट है। और इसी तरीके से अब तक कुल मिला के 10 टावर्स को डिस्कवर किया गया है। तभी जो लू फेंग होता है वो हंसते हुए नाइट एम्परर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुमने उनमें से कोई टावर डिस्कवर किया? तभी जो नाइट एम्परर होता है उसका एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो जाता है और वो हाथ के अंदर मुंडी हिलाता है। लू फेंग के एकदम से होश उड़ जाते हैं, वो बोलता है, डैम सच्ची में? इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और नाइट एम्परर की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, क्या तुम सच्ची में मेरे से सच कह रहे हो? क्या मैं सच्ची में इतना ज़्यादा लकी हूँ? तभी जो नाइट एम्परर होता है वो हाथ के अंदर मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच कहा। इसी के साथ जो नाइन टेम्परर होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि शायद से तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ गई कि मैं तुम्हारे साथ वो सारा ट्रेजर शेयर करूँ। लेकिन एक रीज़न यह है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो फ्लाइंग और डॉजिंग एबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और क्रूशल टाइम्स के अंदर या फिर स्पेस लॉकडाउन के अंदर वहाँ से निकलने में तुम हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हो। पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार की तुम्हारी जो फ्लाइंग एबिलिटीज है वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो चुकी है। लू फेंग इन सारी बातों को सुन के स्माइल करने लग जाता है। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो बताता है, रुको मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर बताता हूँ, मैं एक दूसरे रेस के एम्परर के साथ मेरी एक फ़ाइट हुई थी एक डीप केव के अंदर, और वैसे तो वो हाई लेवल का एम्परर था लेकिन स्टिल वो मेरे से वीक था। हम लोगों की काफ़ी भयानक वाली फ़ाइट हुई थी जिसके अंदर वो बाद में हैवीली इंजर्ड हो गया था और वो भाग रहा था, और जब मैं उसका पीछे कर रहा था, उसका पीछे करते करते अनएक्सपेक्टेडली मैंने उस टावर को डिस्कवर कर लिया। उस एंट्रेंस के ऊपर ही हम लोगों को एक इंडिजीनियस पीपल की बॉडी देखने के लिए मिली थी, जिसके गले के ऊपर हम लोगों को एक तिलस्मान देखने के लिए मिला जो कि की थी उस टावर के अंदर जाने की। और वैसे तो ये जो तिलस्मान था ये 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, जिसके बाद हम दोनों की वापस से फाइट हुई और एट द एंड फाइट के अंदर उसको 3 पार्ट्स मिल गए और मेरे को 3 पार्ट्स मिल गए। और अगर हम लोगों को दरवाज़ा खोलना है तो हमें उन 6 के 6 पार्ट्स को 6 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उस ट्रेजर टावर के अंदर लगाना पड़ेगा और एक साथ उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा, तभी जाके वो दरवाज़ा खुल सकता है। तो हम दोनों के पास 3-3 है, तो कुल मिला के हम लोगों को 6 लोगों की ज़रूरत है। तो मैं होप कर रहा था कि अगर तुम मेरा हेल्प करो तो, और वो जो टावर है उसके अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जिसके कारण वहाँ पे बस इंडिजीनियस पीपल्स ही एंटर कर सकते हैं और बाकी रेसेस के लोग वहाँ पे इतने आसानी से नहीं जा सकते। इवन अगर हमारे पास वो 6 तिलस्मान भी है फिर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी वहाँ पे अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी जो नाइट एम्परर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इससे पहले भी काफ़ी सारे टावर डिस्कवर किए गए जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने वो सारा जो ट्रेजर है वो कलेक्ट किया है, तो शायद से हम भी कलेक्ट कर पाएंगे। और वैसे भी वो जो ट्रेजर है वो सब इंडिजीनियस पीपल्स के द्वारा वहाँ पर छोड़ा गया है और मात्र एक टावर भी है, तो एक टावर के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब वेल्थ होगी कि वो लगभग लगभग एक नाइट लेवल के वॉरियर की वेल्थ के बराबर के अंदर होगी, तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और साथ ही साथ इतने सारे काउंटलेस ईयर के अंदर वहाँ के जो डिफेंसेज होंगे वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके होंगे और वीक हो चुके होंगे, तो हमें काफ़ी सारा ट्रेजर वहाँ पे मिल सकता है जो कि हम आपस में बांट सकते हैं। तो यांग, क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? तभी लू फेंग हंसते हंसते बोलता है कि चल भाई आजा, डर के आगे जीत, हंसते हंसते वहाँ पे जाके ट्रेजर लूट के आएंगे हम लोग।
लो फेंग को अपनी सर्वाइविंग एबिलिटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी सिचुएशन से ज़िंदा बच के आया था। तो अभी वैसे भी हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ऐसे टावर्स को ढूंढ चुके हैं और ऐसे टावर से ज़िंदा बच के भी आ चुके हैं, तो वो लोग भी वापस से आ ही चुके हैं। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो कहता है कि चलो फिर चलते हैं, हमें पियर्सिंग टाइगर को भी ढूंढना पड़ेगा। तभी लूफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग के साथ कहता है, अभी ये कौन है पियर्सिंग टाइगर एम्परर? तभी ये जो नाइट एम्परर होता है वो लूफेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे यार। इसी के बाद वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं वो दोनों के दोनों। वही कॉन्टिनेंट के दूसरी तरफ हम लोग को पियर्सिंग टाइगर देखने के लिए मिल सकता था। जो पियर्सिंग टाइगर एम्परर था वो अपनी टीम के साथ था, और वो अभी इस वक्त इस एक केव के अंदर था जो कि एक माउंटेन के अंदर थी। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि ये जो केव थी ये अंडरग्राउंड थी एक पैलेस के अंदर। यहाँ पे हम लोगों को लियू फैंग, नाइट एम्परर और पियर्सिंग टाइगर देखने के लिए मिल सकता था। वैसे तो जो पियर्सिंग टाइगर था वो एक ह्यूमन नहीं था, लेकिन वो ह्यूमन कैंप्स के अंदर से ही था और उसके काफ़ी अच्छे खासे रिलेशनशिप थे इन दोनों के साथ। पियर्सिंग टाइगर एम्परर इन दोनों से पूछता है कि यांग नाइट एम्परर, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तभी जो नाइट एम्परर होता है वो बोलता है कि हमें मेंटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारी बातें सुन सकता है, और मैं आज जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है। तभी जो पियर्सिंग टाइगर होता है वो जोर से अपना हाथ टेबल के ऊपर धर के मारता है और बोलता है कि ऐसा चांस मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, और मैं ऐसे चांस को कैसे मिस आउट कर सकता हूँ करके। आफ्टर ऑल इतने सालों तक इतने सारी जगहों पर एक्सप्लोर करने के बाद भी हम लोगों को इतना अच्छा ट्रेजर नहीं मिला है करके, तो इस चांस के ऊपर तो हम लोगों को जाना ही चाहिए। तभी जो नाइट टेम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है गुड। इसी के साथ वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ टेलीपोर्ट करने के लिए। पियर्सिंग टाइगर, तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो स्पेस लॉकडाउन और अटैक के अंदर, और यांग तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो फ्लाइंग के अंदर। तो हम तीनों की अगर स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर दिया जाए, और साथ ही साथ हम सब लोगों के पास प्लांट लाइफ फॉर्म भी है, तो हम डेफिनेटली उन ट्रेजर के साथ पास ज़रूर पहुँच जाएंगे। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो लियू फैंग और उस पियर्सिंग टाइगर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि जो ट्रेजर है हम लोग इसको दो तिहाई, एक तिहाई एक हिस्से के अंदर बांटेंगे, जिसके अंदर उस ट्रेजर का दो 1 सेकेंड जो हाफ है वो पियर्सिंग टाइगर रखेगा, और बाकी का जो एक एक हिस्सा है वो ये इन दोनों को दे देगा। इसी बात जो पियर्सिंग टाइगर और लियू फैंग होता है वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नाइट टेम्परर को लगता है कि शायद सब ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जिसके बाद लियू फैंग और पियर्सिंग टाइगर दोनों हाथ के अंदर मुंडी हिला देते हैं। तभी नाइट टेम्परर खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो। और वैसे भी जो नाइट टेम्परर था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर था कि ये दोनों के दोनों जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है, क्योंकि जो पियर्सिंग टाइगर की स्ट्रेंथ है वो उसके स्ट्रेंथ के बराबर में ही है, और साथ ही साथ जो यांग है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी तो एक अलग ही लेवल के ऊपर है, वो उसका एक अलग ही लेवल का ट्रम्प कार्ड है। मतलब जब भी वो यांग से मिलता है वो हर बार उसकी जो फ्लाइंग एबिलिटीज होती है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर जा चुकी होती है। वो अपने खुद की टेक्निक्स को बनाता है और उसके अंदर एक अमेजिंग टैलेंट है, और वो हैविली नेचर्ड है रेस के द्वारा, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें स्पेशली उसके टीचर के द्वारा सिखाई गई है। इसका मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। इसी के बाद वो जो नाइट एम्परर होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके हाथों के अंदर वो तिलस्मान आ जाता है। वो तिलस्मान आने के बाद वो तिलस्मान 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर दो ट्राइंगुलर 3 ट्राइंगुलर क्रिस्टल हम लोग को देखने के लिए मिल सकते थे, जिसके अंदर से एक ट्राइंगुलर क्रिस्टल ऑलरेडी नाइट एम्परर के साथ मर्ज हो चुका था। बाकी के जो दो ट्राइंगुलर क्रिस्टल थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे थे। इसी के बाद ये दो ट्राइंगुलर क्रिस्टल वो पियर्सिंग टाइगर और लियू फेंग को दे देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को कहता है कि ये सारी एक एंट्री की है, इनके बिना तुम अंदर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद पियर्सिंग टाइगर और जो लियू फेंग होता है वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर एक इम्प्रिंट लगा देते हैं, सोल इम्प्रिंट, और साथ ही साथ ये जो चीज़ है ये उनकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। इसी के बाद जो नाइट एम्परर बोलता है चलो ठीक है अभी हम चलते हैं, इसी के साथ वो तीनों के तीनों जो वॉरियर होता है वो ह्यूमन कैंप से इंस्टेंटली वहाँ से गायब हो जाता है, और अचानक हम लोगों को वो अंडरग्राउंड देखने के लिए मिलता है, ठीक पहले जिस जगह पे थे वहाँ से ट्रिलियंस किलोमीटर दूर एक डीप अंडरग्राउंड प्लेस के ऊपर। लियू फेंग वहाँ की स्पेस को डिजॉर्ट होते हुए देख सकता था, और साथ ही साथ वहाँ की स्पेस को एक अजीब तरीके का बिहेवियर करते हुए भी फील कर सकता था। वही वो लोग एक डार्क केव के अंदर अपीयर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड थी। इसी के ऊपर वो तीनों जब एंट्रेंस के ऊपर खड़े ही थे तभी उन लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ी सी चीज़ नज़र आती है जो कि आधी ज़मीन के अंदर डसी हुई थी। इतने साल हो चुके थे लेकिन इसके बाद भी ये जो चीज़ थी ये पूरी मतलब डिके हुई नहीं थी, और ये अभी भी वैसे की वैसी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था ये पूरी तरीके से डैमेज भी नहीं हुई। तभी लियू फेंग बाबाता को कहता है कि इसको स्कैन करो, तभी बाबाता कहता है कि मुझे माफ़ करना मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, और मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बस 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर की जो मिट्टी है और स्टोन्स है उनको उठा सकती हूँ। तभी जो लियू फेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक के साथ कहता है क्या एक मिनी स्कैनर भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इवन लियू फेंग को पता था कि जो टावर्स होते हैं ये पूरी तरीके से अनडिटेक्टेबल होते हैं, इवन एक नाइट गॉड एनर्जी भी इसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अभी खुद से एक बार ट्राई करने के बाद लियू फेंग को इसकी पावर का एक तगड़ा वाला अंदाज़ा लग चुका था।
इसके बाद जो नाइट एम्परर होता है वो बोलता है कि सामने की तरफ देखो, जो तुम लोगों को नज़र आ रही है यही एक सेक्रिफिशियल टावर है। इस चीज़ को देखते हुए लोफेंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। तभी वो बोलता है कि ये चीज़ सामने होने के बाद भी लोग इसको देख नहीं पाते क्योंकि इंडिजीनियस पीपल ने इन चीज़ को बनाए कुछ इस तरीके से था, और ज़्यादातर इन सारी चीज़ों को छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये इनका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लिंग टूल था और ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी वहाँ पर हम लोगों को कुछ लाशें भी देखने के लिए मिलती है। जब लोफेंग उन लाशों को देखता है जो कि आधी मिट्टी के अंदर गड़ी हुई थी और आधी ऊपर नीचे गड़ी हुई थी, इन लाशों को देखते हुए लग रहा था कि ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से जेड से बनी हुई है। और साथ ही साथ ये जो लाशें थी ये लगभग लगभग 2 से 3 मीटर टॉल थी, और साथ ही साथ इसके 6 हाथ थे, और इसके अंदर से अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। लोफेंग सोचता है कि इसको मरे हुए इतने सारे साल हो गए, लगभग लगभग ट्रिलियंस ऑफ ईयर हो गए, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से डिके नहीं हुआ और इसके बॉडी के अंदर से इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तभी पियर्सिंग टाइगर उस चीज़ को देखते हुए बोलता है हाँ दम तो है इस चीज़ के अंदर, और जब ये जिंदा होगी तब इसके अंदर और भी ज़्यादा दम होगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड एनर्जी होगी, और मेरे हिसाब से लगभग लगभग एक एम्परर लेवल की तो बॉडी होगी ही होगी। पियर्सिंग टाइगर उस चीज़ को थोड़ा बहुत नोट करते हुए ये सारी चीज़ें बताता है। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो उस बॉडी को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये एक एम्परर है, और जब ये जो टावर था इसको 6 एम्परर्स के द्वारा मैनेज किया जाता था, लेकिन और उन 6 के 6 एम्परर्स में से सबके पास एक एक तिलस्मान था। और इसी के बाद लोफेंग जब उस बॉडी को देखता है तो वो बोलता है देखने से लग रहा है कि जब ये पर्सन मरा था तो इसको दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट मौत मरा है, मतलब इतने जल्दी मर गया कि इसको पता भी नहीं चला। इसी के साथ वो डिस्कस करते हैं कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी मर चुकी थी, और एक एम्परर इतना जल्दी मरना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था उस बॉडी के अंदर अभी भी एक सेंस ऑफ एंजाइटी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी, और उसकी आँखें भी खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बेचारे ने बहुत भयानक मौत मरा हो, लेकिन इतने ज़्यादा जल्दी मरा था कि उसको दर्द भी फील नहीं हुआ था। तभी वो लोग बात करते हैं, मुझे जहाँ तक कि लगता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ नाइट, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर नाइट थे जो कि अलग अलग पैनिकल रेसेस थे, और उन सब लोगों ने मिलते हुए अपनी सोल अटैक से इसको मारा था, इसलिए इसकी बॉडी का जो आर्मर है वो भी पूरी तरीके से अनडैमेज है। और क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े ग्रुप के नाइट्स ने एक साथ अपना सोल अटैक किया था, इसके वजह से मेन कॉन्टिनेंट के अंदर से जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, और साथ ही साथ ये जो 6 एम्परर्स थे ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मारे गए। इसी के बाद हम लोगों को नाइट एम्परर पियर्सिंग टाइगर और लोफेंग एंट्रेंस के ऊपर ही खड़े हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो लोग एनिमी का वेट कर रहे थे, वही दूसरा पर्सन जो कि नाइट एम्परर के साथ था जिसको वो तिलस्मान मिला था, मतलब बाकी के 3 लोग जिनके पास वो तिलस्मान के बाकी 3 हिस्से होंगे। लोफेंग पियर्सिंग टाइगर और ये तीनों के तीनों क्रॉस लैग कर करके बोर हो चुके थे, और वो लोग सोचते कि ये लोग आने वाले कि नहीं आने वाले। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है और 3 फिगर सामने की तरफ से अपियर होता है। इसी के बाद वो नाइट एम्परर को देखते हुए बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ गए। गाइज ये जो पर्सन अभी अभी अपियर हुआ था ये लगभग लगभग 3 मीटर लंबा था, और साथ ही साथ इसने ब्लैक कलर का आर्मर पहना हुआ था जिसके ऊपर गोल्डन कलर की स्केल्स थी, और इसकी बॉडी जो थी वो एक स्नेक लाइक क्रिएचर की तरह थी, छोटी छोटी आंखें थी, और इसकी जो लिप्स थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और लंबी चौड़ी थी, और बहुत गंदी तरीके से ये हंस रहा था। और इसी के बाद वो बाकी के 2 लोगों को देखते हुए बोलता है कि नाइट एम्परर शायद से तुम इन दोनों को अपनी मदद करने के लिए लाए हो, जिसके बाद वो एक को देखते हुए बोलता है ये इसको तो मैं जानता हूँ ये पियर्सिंग टाइगर एम्परर है, लेकिन ये दूसरा पर्सन सिल्वर आर्मर व्हाइट विंग्स वगैरह वो लोफेंग को देखते हुए उसको पहचान नहीं पाया था। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो उसको देखते हुए बोलता है रुको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ इससे। तभी पियर्सिंग टाइगर एक जोर की धाड़ के साथ बोलता है कि मैं पियर्सिंग टाइगर एम्परर हूँ, और तभी जो लोफेंग होता है वो कहता है कि मेरे पास कोई एम्परर का टाइटल नहीं है अभी, लोग मुझे यांग कहते हैं, और इस सामने वाले 3 लोगों की तरफ देखने लग जाता है। उन तीनों को देखते ही लोफेंग एकदम से उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो जो बाकी के 2 लोग थे वो क्यूआई चेंज रेस से थे, और बाकी एक पर्सन गोल्ड कैंग एम्परर था जो कि यानजी मेन कॉन्टिनेंट से था। लोफेंग इन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि ये लोग थोड़े बहुत फेमस लोग थे। वहीं हम लोगों को 2 लोग देखने के लिए मिल सकते थे जो कि क्यूआई चैंग वॉरियर थे, जिनमें से एक की जो हाइट थी वो 3 मीटर तक लंबी थी और जो दूसरा था वो 1.5 मीटर तक लंबा था। तभी जो नाइट एम्परर होता है वो सामने वाले लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया है तो अभी तुम्हारी बारी है। जो सामने वाला पर्सन था उसका नाम आइस ब्लेड था जो कि 3 मीटर तक लंबा था और वो काफ़ी अजीब तरीके से हंसता, और वही दूसरा आदमी जो था उसका नाम पर्पल क्लॉक एम्परर था जो कि 1.6 मीटर टॉल था, और इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अपना लोफेंग जानता था। और जो तीसरा पर्सन था जिसके मैंने आप लोगों को बताया उसका नाम गोल्ड गैंग एम्परर था, और वो एक काफ़ी बड़ा सा बीच था और वो पियर्सिंग टाइगर जितना बड़ा था, और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर थंडर की जो छोटे मोटे स्केल्स होते हैं वो बने हुए थे, और उसके फेस के ऊपर भी बने थे जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ग्रो कर रही थी, और उसके बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला प्रेशर आ रहा था, और वो ह्यूमन कैंप्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर था। पियर्सिंग टाइगर उसको देख के थोड़ा बहुत शो ऑफ करने लग जाता और वो भी अपनी बॉडी की एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। तभी जो आइस ब्लेड होता है वो नाइट एम्परर से कहता है अगर अभी हम लोग का ये जो इंट्रोडक्शन का प्रोसेस है ये खत्म हुआ होगा तो क्या हम अभी आगे बढ़ सकते हैं।
तभी वो लोग दो ग्रुप बना के चलने लग जाते हैं। आइस ब्लेड के पीछे पर्पल क्लॉक और गोल्ड कैंग चल रहा था, वही लो फैंग और पियर्सिंग टाइगर नाइट एम्परर के साथ जा रहे थे, और वो सारे के सारे एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे। इसी के बाद एंट्रेंस के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक अजीब सी लेयर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी, जिसको आइस ब्लेड टच करता है और वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है लिक्विड की तरफ, और इसी के बाद आइस ब्लेड उसके अंदर चला जाता है। और नाइट टेम्परर भी कुछ ऐसे ही करता है, और लियो फेंग और बाकी लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब सा ये सारी चीज़ें करना क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे थे। इसी के बाद लियो फेंग भी बाकी लोगों की तरह उस डोर को टच करता है, जिसके बाद वो वाटर के अंदर चेंज हो जाता है और फ्लो करने लग जाता है, और इसी के बाद लियो फेंग भी उसके अंदर चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो झरने के अंदर से एक बात लेके बाहर आ रहा है। तभी लियो फेंग अपने तीन दुश्मनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो जो आइस ब्लेड है वो हाई एम्परर लेवल है का वॉरियर है, उसका जो थ्रेड लेवल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो गोल्ड कैंग है वो काफ़ी ज़्यादा जाना माना वॉरियर है मेन कॉन्टिनेंट का, और साथ ही साथ उसकी जो एम्परर लेवल की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी लिमिट स्ट्रेंथ तक पहुँच चुकी है। और इसी के बाद वो मतलब बाकी लोगों के साथ ऐसे फुसफुसा रहे थे आपस के अंदर। नाइट टेम्परर कहता है कि शायद से ये हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें वो खजाना इन लोगों के हाथों में नहीं लगने देना है। तभी जो पियर्सिंग टाइगर होता है वो भी कम्युनिकेट करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जो गोल्ड कैंग है ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तभी जो नाइट टेम्परर होता है वो लो फैंग और पियर्सिंग टाइगर के साथ कम्युनिकेट करते हुए बोलता है कि वो जो आइस ब्लेड है वो तो मेरे से कमज़ोर है, उसको तो मैं संभाल लूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को पता था कि वो ज़रूर किसी न किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपने साथ लेके आएगा मेरे से डील करने के लिए। और जहाँ तक कि मेरे को पता है वो जो पर्पल क्लॉक वाला पर्सन है वो पैनिकल एम्परर है, और जो थर्ड पर्सन है गोल्ड कैंग वो एम्परर लिमिट के ऊपर है। इन तीनों के बारे में सोच सोच के इन तीनों को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि जो एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ है वो भी नॉर्मली तीन हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा लो हाई और पैनिकल, जिसके अंदर एक लो एम्परर बॉडी के अंदर लगभग लगभग 10,000 सेक्टर लॉट की स्ट्रेंथ होती है, वही हाई एम्परर लेंथ के ऊपर 30,000 सेक्टर लॉट की स्ट्रेंथ होती है, और एक पैनिकल एम्परर के अंदर लगभग लगभग 1,00,000 टाइम की स्ट्रेंथ होती है। और 1,00,000 सेक्टर लॉट स्ट्रेंथ ये ऑलरेडी एक ह्यूमन एम्परर की हाईएस्ट फॉर्म होती है, एक मिरेकल के थ्रू ही वो इसके आगे ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन एम्परर के अंदर भी उन लोगों के पास अपनी अपनी बॉडी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स होती है, जैसे कि लो फैंग के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, और साथ ही साथ डीटीज ऑफ द वर्ल्ड बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 20 टाइम एम्प्लीफाई हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो ट्रू यान है उसने गोल्डन जनरल इनहेरिटेंस को भी ऑब्टेन किया था। इसी तरीके से बाकी लोगों के पास भी अपने अपने बॉडी के अलग अलग सीक्रेट्स होते हैं, जो कि बॉडी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स होती है। और इसी के आगे हम लोगों को कुछ और पावर लेवल्स के बारे में बताया, जो कि ज़्यादा डिटेल के अंदर हो जाएगा, सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वही आगे जाके हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, और नाइट एम्परर कहता है कि इन लोगों की जो पावर है वो हम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं, छोटा सा डिफरेंस है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। पियर्सिंग टाइगर कहता है कि वो जो गोल्ड कैंग है उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको तो मैं संभाल लूँगा, क्योंकि जो पियर्सिंग टाइगर है उसकी भी जो स्ट्रेंथ है इंटरप्रेट पावर्स वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी, तो शायद से वो गोल्ड कैंग को आराम से संभाल सकता था। लियो फैंग के पास अभी एक आखिरी टारगेट बन चुका था। इसी के साथ जो नाइट एम्परर होता है वो स्टिल कहता है कि हमारे पास फिर भी एडवांटेज है, एक्चुअली ये जो टावर है इस टावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, और यहाँ पे काउंटलेस एशियंट स्टैचूज है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लॉ एनर्जी निकलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इवन यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मेथड को यूज़ करना मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का टेलीपोर्टेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद भी वो कहता है कि मैं शायद से अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आराम से ये जो टावर है सेक्रीफाइडल टावर उसके सेंटर तक आराम से टेलीपोर्ट करा सकता हूँ, और साथ ही साथ ये जो स्पेस है इसके अंदर काफ़ी सारे लॉकडाउन है, लेकिन यांग की स्पीड और डॉजिंग टेक्निक्स की मदद से हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और प्लस पियर्सिंग टाइगर और हम दोनों एम्परर पैनिकल रेस के ऊपर है, जिसके बाद ये जो गोल्ड कैंग है ये भरे एम्परर लिमिट के ऊपर हो, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं कि हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते। दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी प्लानिंग बना लेता है, जिसके बाद फाइनली जो आइस ब्लेड होता है वो नाइट एम्परर की तरफ देखता है और बोलता है चलो अभी चलते हैं, और इसी के साथ ये लोग अंदर चले जाते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के